हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाय शाय, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा आज मूंग का पराठा खाने का और ये रेसिपी मैंने अपनी मामा से ली थी। ही लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने जो डो ली है उसको मैंने रोल कर लिया है और ऑयल जो है उसको पराठे के ऊपर स्प्रेड कर लिया है अपने हाथों से। उसके बाद मैंने आटा लिया है, ड्राई आटा लिया और उसको मैंने डस्ट कर दिया है पराठे के ऊपर। अब हम इसकी करेंगे कटिंग थोड़ी सी। हम दो कट्स लगाएंगे बॉटम से और दो कट्स लगाएंगे टॉप से, ठीक है। आपने बिल्कुल ये स्टेप फॉलो करने हैं, नहीं तो फिर आपका पराठा ये ना हो कि कहीं मेरे से ज़्यादा अच्छा बन जाए और आप ही कहेंगे कि आप ही हमारा पराठा आपके पराठे जैसा नहीं बना। ओके फाइन। उसके बाद हमने सबसे पहले नीचे से बॉटम से जो है उसको वो करना है फोल्ड और एक फोल्ड ऊपर से करना है। देन जब एक स्क्वायर सी शेप बन जाएगी उसको हमने इन साइड जो है वो फोल्ड करना है। फिर दोबारा हमने बॉटम से उसको अपवर्ड फोल्ड करना है और टॉप से उसको डाउनवर्ड फोल्ड करना है। फिर एक स्क्वायर की शेप आ जाएगी और उसको फिर हमने इनवर्ड फोल्ड करके फाइनली जो है फिर हमने टॉप और बॉटम से फोल्ड करके उसके एक स्क्वायर की शेप दे देनी है। स्क्वायर की शेप के बाद जो है हम इसको जो है दोबारा से हम इसको रोल करेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ इस पार्ट पे क्योंकि यहाँ पे ऑयल नहीं था, दोनों तरफ से जो था वो ड्राई पार्ट था। तो हम मैंने इसको जो है दोबारा से इसको रोल कर दिया है और ये देखेंगे स्क्वायर शेप इसकी आ चुकी है। अब मैं इसको जो है उसको पका रही हूँ और क्या कहते हैं इसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी, वो बिल्कुल सेपरेट होंगी। अब मैं आपको शो करती हूँ, आप ये देखिए मैं आपको लेयर शो कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म था तो क्या कहते हैं मेरे से शो नहीं किया जा रहा था। आई होप यू इन्जॉय दिस पराठा विद द टी एंड द मक्खन। बाय बाय।